अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं गुजराती डिश जो कि है आलू वड़ी, या इसे हम पात्रा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक एंड 8 से 10 गार्लिक। इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। फिर यहाँ पर मैंने आलू के पत्ते लिया था, जिसकी जो बैक स्टेम है वो मैं निकाल दूँगी ध्यान से। इसी तरीके से हम सारे पत्तों की जो स्टेम है वो लीफ से अलग कर देंगे। देन यहाँ पर मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया था, जिसके लिए लिया था मैंने 2 कप्स ऑफ बेसन। उसमें मैं ऐड कर लूँगी 2 TSP धनिया पाउडर, 1/2 TSP हल्दी पाउडर, 1 TSP रेड चिली पाउडर, 1 TSP गरम मसाला पाउडर, 1.5 TSP ऑफ ज़ीरा पाउडर, 1 TSP सॉल्ट। यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून ऑफ जैगरी पाउडर लिया है, यानी गुड़ का पाउडर, एंड 4 टेबलस्पून टैमरिंड पल्प, इमली का पल्प। देन जो हमने स्टार्टिंग में हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया था वो ऐड कर लेंगे इसमें, एंड 1/4 TSP यहाँ पे मैंने अजवाइन क्रश करके ऐड कर लिया अपने हाथों से ही। 1 अक्खा लेमन इसमें ऐड कर लूँगी मैं। देन इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ऐसा पेस्ट तैयार करना है जो उसकी कंसिस्टेंसी जो रहे वो मीडियम रहे, ताकि हम अच्छी तरीके से पत्तों पे है उसे अप्लाई कर सकें। देन यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया था 3 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, 1 TSP चाट मसाला पाउडर एंड 1/2 TSP ऑफ ब्लैक साल्ट। अच्छे तरीके से इसे मैंने फर्दर मिक्स कर लिया था। देन जो पत्ते थे हमारे, इसे मैंने पहले ड्राई कपड़े से पोंछ लिया था धोने के बाद। इसकी बैक साइड पे हमें लगाना स्टार्ट करना है ये पेस्ट, फ्रंट साइड पे नहीं, बैक साइड जो रफ रहती है वो। पहले आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट कैसे रखा है, एंड देन जो मैंने सेकंड पत्ता रखा है वो उसका अपोजिट में रखा है। इसी तरीके से हम 5 पत्तों की लेयर तैयार करेंगे अच्छी तरीके से। इस पर पेस्ट लगाते हुए दूसरा पत्ता ऐड करते हुए एक लेयर तैयार कर लेंगे। देन हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आपको वीडियो में जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे फोल्ड कर लीजिएगा। टाइटली हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और मैंने इसे टूथपिक्स की मदद से सिक्योर कर लिया था। देन मैं इसे रख दूंगी एक स्ट्रेनर पे। स्ट्रेनर पे मैंने अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस कर लिया था, ग्रीस किया हुआ स्ट्रेनर रहना चाहिए। एंड हम इसे स्टीम कर देंगे 25-30 मिनट्स के लिए। स्टीम करने के तुरंत बाद हमें इसे नहीं कट करना है, हमें लगभग 4 से 5 घंटे इसे अच्छी तरीके से ठंडे होने देना है। देन हम इसके पीसेस निकाल देंगे बड़ी के, आप देख सकते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन में लिया था 4 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें मैंने ऐड किया था 1 TSP ज़ीरा, 1 TSP राई, 1 TSP तिल एंड 1/4 TSP हींग, थोड़े से करी पत्ते एंड थोड़ी सी तिल। देन हम इसे प्लेस कर लेंगे जो हमारी बड़ी थी उसे, दोनों बाजू से अच्छी तरीके से इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एंड लास्ट में हम इसे गार्निश कर लेंगे चॉपली हुई कोरिएंडर यानी कोथमीर एंड फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट के साथ। चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करिएगा। एंड इसी के साथ तैयार हो जाएगी हमारी आलू बड़ी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।